ऊपर वाले की मेहरबानी है, मैं तो अपनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। बहुत सस्ती दूसरों से, बाकी तो लूट रहे हैं, ये तो बेहतरीन मजा आ गया। लाजमी इसको खाना है, ये नहीं खाऊंगा चैन नहीं मिलेगी। चाट तो बड़े अच्छी है, मज़ेदार चाट है, एक टाइम तक आते हुए आ रहे हैं चाट। चने गरम करके देते हैं ये, और मसाले इनके अच्छे हैं। मेरे को तकरीबन 30 से 32 साल हो गया सर ईमानदारी का चोला पहना हुआ है। इसी जगह लगा पड़ा हूँ। ऊपर वाले की मेहरबानी है, मैं तो अपनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह पाक भेज रहा है दबा दब कस्टमरों को। जिसमें एक में गुड़ और खजूर की चटनी होती है मीठी, और एक मसाले वाले जो धनिया जीरा और सब मिला के, धनिया पुदीना मिला के सारा, ये हरी चटनी बनती है। और एक जो है खट्टी चटनी होती है, जो इमली आमचूर वगैरह होता है। ये टेस्ट में नहीं फर्क दिया ना, मैंने अपने हाथों से बनाता है ना, और किसी पे ना छोड़ रहे, मुलाजिम पे काम नहीं छोड़ रहे, हम खुद कर रहे हैं। पहले मैं उस्ताद था, अब मेरा बेटा उस्ताद है। मटेरियल बराबर डालना है, मेरे मटेरियल अगर पूरा डलेगा तो फ़र्क नहीं आएगा। मैंने जब छोले लगाए तो 6.5 रुपये किलो चने थे, आज जो है मसाला 300 करोस है। मैं चारा ने हटाने के बेचता था, पर उस टाइम पे दरमियाने बर्मा जी नहीं, टेस्ट बर्मा की फैसिलिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, चीज़ अच्छी है, बर्मा के महंगे भी है। मेरे पास 4-5 बंदे काम कर रहे हैं जी। मेरा ये बराबर में खड़ा हुआ है छोटा बेटा है, एक वो बड़ा बेटा भी है। मैं समझो 3 बजे से लेके 6:30-7 तक स्टार्ट में मैंने लगाया था, 5 बजे आता था, उस पर भी इंतज़ार करते थे, अब इंतज़ार नहीं होता जी, जल्दी आ जाते हैं। ये कौन सा इलाका है? ये नाथ बाबा छोटा मैदान है, आगे गोल्ड मार्केट है। सस्ती बहुत सस्ती दूसरों से, बाकी तो लूट रहे हैं, ये तो बेहतरीन मज़ा आ गया। मिलती तो बहुत है मगर महंगी बहुत मिलती है, जो सस्ती और मज़ेदार यहीं पर है। कितने की एक प्लेट देते हैं? 50 रुपये की। अच्छा 50 रुपये की। तो क्या चटनियों का मज़ा होता है? हर चीज़ का मज़ा है। तो पार्सल भी लेके जा रहे हैं? एक हाँ पार्सल भी लेके जा रहे हैं। चाट तो बड़े अच्छी है, मज़ेदार चाट है, एक टाइम तक आते हुए आ रहे हैं चाट, चटनी मसाले रायता सब अच्छा होता माशाल्लाह। धन्यवाद। पहले 30 की थी, फिर 40 की करी, 50 की करी थी, माशाल्लाह चीज़ अच्छी है, क्वालिटी वाली चीज़ है। चाट तो माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी है। कहाँ से आते हैं? मैं पापोश से आता हूँ। एक तो थोड़े से इनकी चाट गर्म होती है, और चने गर्म करके देते हैं ये, और मसाले इनके अच्छे हैं, और रेट भी बहुत मुनासिब है, 50 रुपये की, जो कि इस महंगाई के दौर में नहीं है। तो आदमी पेट भर के खा लेते हैं उसके अंदर? आराम से खा लेते हैं। एक रिफ्रेशमेंट जो है वो अच्छी मिल जाती है। तो कब से खा रहे हो ये चाट? 2-3 साल हो गए। तो 2-3 साल में टेस्ट में कोई फर्क आया या वही जायका वही टेस्ट है? वही जायका है। तो कितनी ज़बरदस्त लगती है, चटनी अच्छी होती है, मसाले अच्छे होते हैं, क्या होता है? माशाल्लाह छोले इनके भरपूर होते हैं। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। चाट अच्छी होती है, सबसे बड़ी बात है सफाई है और ताज़ी है, दो ही चीज़ें हैं कि ताज़ी भी है और साफ़ सुथरी भी है। तो और जो तादाद है वो भी अच्छी खासी तादाद है भाई, 2-3 घंटे को आते हैं चले जाते हैं, बस अल्लाह का करम है, शुक्र है। अच्छा इस इलाके में इससे अच्छी चाट कोई बनाता है या इनकी सबसे ज़्यादा अच्छी है? ये अपने अपने टेस्ट पर है, हमें इनकी पसंद है। हम ये कह सकते हैं कि हमें इनकी पसंद है। अच्छा तो चटनियों का जायका कैसा होता है? मीठी चटनियाँ मीठी भी हैं, दूसरी भी हैं, अच्छी हैं, बहरहाल बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर मैं सामान लेने आता हूँ तो मैं लाजमी इसको खाना है, ये नहीं खाऊँगा चैन नहीं मिलेगी। तब ये टेस्ट भी ऐसा है ना, टेस्ट ऐसा है, और जो है सस्ते में थोड़ा मिल रही है, ये लाजमी खानी है। हर दूसरे दिन बाद मेरा यहाँ चक्कर लगेगा तो मैं ये खा के लाजमी। और जब मैं खाने लगा था ना ये, तब उस वक्त मेरे घर से 10 रुपये प्लेट थी, तो आज तो 50 रुपये 30 रुपये प्लेट है। महंगाई के दौर के हिसाब से इंसान चल रहा है, मगर वो पहले
5 रुपये और 10 रुपये प्लेट है। छोटी प्लेट 5 रुपये, बड़ी प्लेट 10 रुपये।